हुकूमत कश्मीर के मामले पर नारों से आगे बढ़कर अमली इकदाम उठाए, अगर हमने अब कुछ ना किया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन अरकान असेंबली पर मुश्तमिल सिफारती वफ दुनिया में भेजा जाए, इस्लामाबाद में OIC का इजलास बुलाया जाए और इस्लामी ममालिक पर भारत के साथ हर किस्म की तजारत और ताल्लुकात खत्म करने पर जोर दिया जाए। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। हमारे जो मौजूदा तरीके कार है, ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके कार के मौजूदगी में कश्मीर आज़ाद हो सकता है। कल एक तरफ हुकूमत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, बहुत अच्छा किया था, ब्रीफिंग दी, लेकिन दूसरे तरफ हमने भी तमाम कश्मीरी क़ियादत को बुलाया था, उसमें हुर्रियत के तमाम रहनुमा आए थे, उसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी क़ियादत आई थी। मैं हुकूमत की नीयत पे शक नहीं करता हूँ, लेकिन काश कोई भी कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बनाते वक्त वो अपोजिशन को भी एतमाद में लेते, यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की क़ियादत है उनको एतमाद में लेते, लेकिन हुकूमत ये काम नहीं कर सकी। आज़ाद कश्मीर की क़ियादत का मुश्तरका एलामिया है, पहली बात तो यही है कि कश्मीर के हवाले से हर पॉलिसी में कश्मीरी क़ियादत को शामिल किया जाए, और यही तजवीज़ है